हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना था श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए, इस वीडियो में जानिए। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े जाने का फैसला भगवान श्री कृष्ण का था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना था, इसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। आज इस वीडियो में जानिए। जब महाभारत युद्ध होने का निश्चय हो गया तो उसके लिए जमीन तलाश की जाने लगी। श्री कृष्ण जी बढ़ी हुई असुरता से ग्रसित व्यक्तियों को उस युद्ध के द्वारा नष्ट कराना चाहते थे, पर भय ये था कि ये भाई भाइयों का, गुरु शिष्य का, संबंधी परिवारों का युद्ध था। एक दूसरे को मरता देखकर कहीं संधि ना कर बैठें, इसलिए ऐसी भूमि युद्ध के लिए चुननी चाहिए जहां क्रोध और द्वेष के संस्कार पर्याप्त मात्रा में हों। उन्होंने अनेकों दूत अनेकों दिशाओं में भेजे कि वहां की घटनाओं का वर्णन आकर उन्हें सुनाएं। एक दूत ने सुनाया कि अमुक जगह बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ से बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, पर उसने स्पष्ट इनकार कर दिया और उल्हाना देते हुए कहा, तू ही बंद क्यों नहीं कर देता, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से गोद डाला और उसकी लाश को पैर पकड़कर घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया और जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ उस लाश को पैर से कुचल कर लगा दिया। ये बात सुनकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि यह भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। यहाँ पहुँचने पर उनके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ेगा उससे परस्पर प्रेम उत्पन्न होने या संधि चर्चा चलने की संभावना न रहेगी। वो स्थान कुरुक्षेत्र था, वहीं युद्ध रचा गया था। महाभारत की ये कथा बताती है कि शुभ और अशुभ विचारों एवं कर्मों के संस्कार भूमि में देर तक समाये रहते हैं, इसीलिए ऐसी भूमि में निवास करना चाहिए जहां शुभ विचारों और शुभ कार्यों का समावेश हो। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया है आखिर महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया था। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप तक हमारे द्वारा कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टिप्स पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।